इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां लगातार जम्मू कश्मीर और हरियाणा में सभी विधानसभा सीटों की मतगणना जारी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी 50 सीटों पर है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का सामने आ रहा है, जहां लगातार 90 विधानसभा सीटों की मतगणना जारी है और जो रुझान का आंकड़ा है वो भी सामने आ चुका है, जिसमें बीजेपी को हरियाणा में बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बता दें कि बीजेपी के खाते में 50 सीटें जा रही हैं, वहीं कांग्रेस 34 सीटों पर है और अन्य के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अब जम्मू कश्मीर में भी सभी 90 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। बीजेपी को 26 सीटों पर बढ़त मिल रही है, वहीं कांग्रेस और एनसी 52 सीटों पर आगे हैं। पीडीपी को 4 सीटों पर बढ़त मिल रही है और अन्य 8 सीटों पर आगे हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है, जहां दोनों ही राज्य में जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की मतगणना लगातार जारी है। बता दें कि 90 सीटों की जो मतगणना है उसके शुरुआती रुझान के जो आंकड़े हैं वो भी सामने आ चुके हैं और 90 सीटों के जो आंकड़े हैं वो इस वक्त आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर जम्मू कश्मीर की पहले बात कर लेते हैं तो वहाँ एनसी और कांग्रेस का गठबंधन है, जिनके खाते में 52 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और वही बात अगर बीजेपी की करें तो 26 सीटें उनके खाते में है, वहीं पीडीपी 4 पर है और अन्य के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो चलिए अब हरियाणा की बात कर लेते हैं, तो वहीं हरियाणा में भी आप देख सकते हैं कि 90 विधानसभा सीटों का जो रुझानों का आंकड़ा है वो सामने आ चुका है, जहां शुरुआती रुझान में तो कांग्रेस को बढ़त मिल रही थी लेकिन उसके बाद ही ये बड़ा उलटफेर देखने को मिला। और अब देखिए बीजेपी बहुमत के साथ जो है वो 50 के आंकड़े पर पहुंच गई है और वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जो खाते में सीटें आई हैं वो कुल मिलाकर 34 सीटें अभी नजर आ रही हैं और साथ ही अन्य में भी 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, जहां हरियाणा में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव, जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होते हुए नजर आए थे और हरियाणा में 5 अक्टूबर को एक फेज में वोटिंग हुई थी और उनके नतीजे अब सामने आ चुके हैं और जो शुरुआती रुझान है वो क्या कहते हैं आप ही हमारी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। देखिए हरियाणा में लगातार बीजेपी को बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है और करीब 10 साल से वहां बीजेपी राजनीति में सत्ता पर काबिज है और कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ये बड़ा मुकाबला इस बार हरियाणा में देखने को मिल रहा है और जिस तरीके के ये जो रुझान के आंकड़े हैं वो सामने आए हैं, यहाँ पर देखिए बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। और वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात कर ले तो वहां भी 90 सीटों पर इस बार विधानसभा चुनाव 3 चरणों में हुए थे और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का वहां महागठबंधन भी देखा जा रहा है और उनके खाते में इस वक्त 52 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। और वहीं बीजेपी की अगर बात कर ले तो बीजेपी कांग्रेस से पीछे है और उनके खाते में 26 सीटें हैं, वहीं पीडीपी के खाते में 4 सीटें और अन्य के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। ये रुझानों का आंकड़ा आपको बता रहे हैं, जहां लगातार देखा जा रहा है कि जो अपडेट सामने आ रहा है, जिस तरीके से रुझान के आंकड़े सामने आ रहे हैं, साफ तौर पर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस इस वक्त आगे है और हरियाणा में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हरियाणा की बात कर ले तो कहीं ना कहीं शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस बढ़त के साथ आगे थी लेकिन जिस तरीके से वहां गेम चेंज हुआ, उलटफेर हुआ, उसके बाद ये देखा जा रहा है कि अब बीजेपी के खाते में 50 सीट है, यानी कि जो बीजेपी है वो बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। और अगर 2019 के विधानसभा चुनाव से इसको कंपेयर करके एक बार देखें तो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ गठबंधन में जेजेपी था और बीजेपी ने वहां बहुमत से सरकार बनाई थी और अब माना जा रहा है कि एक बार फिर से वही आंकड़े रिपीट होंगे और 10 साल से जिस तरीके से बीजेपी हरियाणा की कुर्सी पर राज कर रही है और कहीं ना कहीं इस बार भी यही देखने को मिल सकता है। और जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ये कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा था लेकिन अब तस्वीर लगभग साफ होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो 90 सीटों का रुझान जो सामने आ रहा है उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में 52 सीटें जा रही हैं और बीजेपी पीछे है और उनके खाते में 26 सीटें जाती हुई नजर आ रही है।